आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आए हैं श्री कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से। सर, एक इम्पोर्टेंट इशू है, एक ऐसा रूल जो पिछले 5 सालों से आया हुआ है लेकिन उसे फॉलो कोई नहीं करता, ठीक है। एक ऐसा सेक्शन, ठीक है ना, जो आया था 1 जुलाई 2017 से, सीरियस कोई नहीं लेता। 99% केस ऐसे हैं जिसमें ये रूल फॉलो ही नहीं होता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 26 दिसंबर से 27 दिसंबर से या आने वाले समय में ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और इस रूल को लोग बाग फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि इस रूल के अंदर गलतियां थी। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ रूल नंबर 37 की। तो सर, रूल नंबर 37 जब शुरू से आया तो उसमें एक गलती थी, उसमें लिखा गया था कि अगर आप अपना ITC, ठीक है, जो आपने क्लेम करा है, अगर आप अपने सप्लायर को उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको ITC रिवर्स करना होगा GSTR 2 में। लेकिन GSTR 2 थी नहीं, तो पिछले 5 सालों से ये रूल एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति कहता था चलो मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, GSTR 2 तो लेकर आओ। तो हुआ क्या, 1 अक्टूबर को इस रूल को चेंज किया गया, और इस चेंज में क्या लिखा गया कि जो आपको ITC रिवर्सल करना है वो आपको 2 से नहीं करना, 3B से करना है। अब लगा कि चलो ठीक है, 1 अक्टूबर से इस रूल को फॉलो किया जाएगा, लेकिन फिर भी गलती थी। उसमें क्या लिखा गया कि अगर आपने अपने सप्लायर से 1 लाख का माल खरीदा और 5% GST 1,05,000, और आपने 1,04,000 रुपये की पेमेंट कर दी और सिर्फ 1,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी, तो आपको 5,000 का ITC रिवर्स करना पड़ जाएगा, फुल ITC रिवर्स करना पड़ जाएगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि इतना बड़ा ब्लंडर हम कर कैसे सकते हैं, तो इन्होंने इस रूल को दोबारा से चेंज करा। और अब जो ये रूल चेंज हुआ, अब इन्होंने इस रूल को कहा नहीं नहीं, जैसा पहले रूल था कि रिवर्सल तो 3B से ही करना है, लेकिन आपको पार्शली रिवर्सल करना है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये रूल अब लोग बाग सीरियस लेंगे या नहीं? सर बताएं प्लीज। ये रूल को सीरियस लेना या ना लेना, ये डिपेंड करता है कपिल जी एडवाइस क्या कर रहे हैं जी। अगर कपिल जी बोलते हैं कि इसको अभी भी इसमें एरर्स हैं, अभी भी आपको रिवर्सल नहीं करना, तो कोई नहीं करेगा। अगर बोलते हैं कि ये रूल ठीक है तो फिर इसको सब फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि लो अभी क्या है और लो पहले क्या था जी। तो सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। आप काफ़ी मेहनत करते हैं, टाइम से पहले आपकी मैगजीन लोगों तक पहुंच जाती है, अभी लोगों के एनालिसिस कंप्लीट नहीं होते, आपके एनालाइज करके उसे डीकोड करके आसान भाषा में लिख के इलेक्ट्रॉनिकली भी मैंने सुना है आपकी मैगजीन आ रही है जी जी, और हार्ड कॉपी में भी कोरियर के थ्रू सबके पास पहुंच जाती है। बिल्कुल जी। तो ये काफ़ी मेहनत का काम आप कर रहे हैं और ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोविज़न का स्टार्टिंग से ब्यौरा है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 16(2) कंडीशंस टू अवेल द ITC। तो कंडीशंस टू अवेल ITC में देखिए, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि पेमेंट इज ए कंडीशन टू अवेल द ITC। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द वेंडर इज ए कंडीशन टू अवेल द ITC। पहली कंडीशन क्या है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट हो, ठीक है जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट हो। सेकेंड है कि उसने GSTR 1 फाइल कर दी और मेरे 2B में वो दिख जाए। थर्ड कंडीशन है कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाए। फोर्थ है कि 2B में वो डिटेल रिस्ट्रिक्टेड ना आए जी। फिफ्थ कंडीशन है कि टैक्स मेरा वेंडर गवर्नमेंट को पे कर दे। सिक्स्थ कंडीशन है कि मैं अपनी 3B फाइल कर दूं। ठीक है, अब ये इसकी प्रोवाइज़ है। सबसे पहले तो हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि पहले हम रूल को क्यों पढ़े, पहले हम एक्ट में देख लें। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। प्रोवाइज़ो का जो मेन रोल है वो एक न्यू कंडीशन प्रोवाइड करना नहीं होता, वो कहता है कि जो ऊपर कंडीशन है उसकी एक्सेप्शन हम बता रहे हैं। राइट right. तो जो वो एक्सेप्शन बता रहा है प्रोवाइजो, वो मेन प्रोविजन में होना तो चाहिए। ठीक है, क्या ये मेन में है कि मैं जो बिल आया 1,05,000 का उसकी पेमेंट कर दूं वेंडर को? नहीं, उसमें तो नहीं, कहीं दिख भी मुझे भी नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोवाइजो की ही वैलिडिटी या कह लो कि प्लेसमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना यह लॉ में गलती है, यह जो सेकंड प्रोविजो में बात लिखी गई है इसे यहाँ से निकालो और ऊपर सेक्शन में प्लेस करो। हाँ, या सेक्शन में कुछ लिखो कि यहाँ जो टैक्स है इसके साथ एक और लिखो कंडीशन की वैल्यू एंड टैक्स शैल ऑल्सो बी पेड टू द
बिल्कुल। तो ये अब की बार हमारा जो बजट आ रहा है सर, तो बजट के अंदर हम निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस रिक्वेस्ट को माना जाए। मैं एक कमेटी में को कन्वीनर भी हूँ डायरेक्ट टैक्स कमेटी का, तो उसके थ्रू हमने कुछ बजट मेमोरेंडम्स फॉरवर्ड किए हैं। बहुत बढ़िया, तो उसमें हम काफी पॉइंट्स रिकमेंड करते हैं। तो जब भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पॉइंट आता है जो लॉ में चेंजेस सजेस्टेड है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप भेजें और हम आगे फॉरवर्ड कर दिया करेंगे ऑन रियल टाइम बेसिस। अभी जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं रूल 37A में, इतने इश्यूज है जो हमने अदर वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बताएं गवर्नमेंट को ताकि वो ठीक हो, करेक्ट हो जाए। जी। रूल 37 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी काफी इश्यूज हैं, उसको भी हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को आप क्लैरिफाई करें। जी। ऐसे हम टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहते हैं। जी। अब सेकेंड इस प्रोविजो में क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस प्रोविजो का इंटेंशन है कि हम MSME को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। कि कोई भी आप छोटे व्यापारी से डील करते हो उसका पैसा बैड डेट ना हो जाए। मैं इस चीज को थोड़ा कम मानता हूँ। बिल्कुल, अगर आपका ये इंटेंशन है तो ये लिख दो कि ये प्रोविजो सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई करती है। बिल्कुल ठीक है। आजकल तो अगर मैं एक कंपनी हूँ और किसी MSME से डील कर रहा हूँ तो मेरे बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग जाती है कि MSME का कितना ड्यूज है। हाँ, बिल्कुल है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी में कहीं कोई प्रैक्टिकल चैलेंज नहीं आएगा। आप इसे अमेंडमेंट करके लिख दो कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज वेंडर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर MSME। राइट। तो जब तक वो बात नहीं कही जाती, अगर मैं रिलायंस से डील करता हूँ जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों की टर्नओवर लिए बैठे हैं, तो ये प्रोविजो उस पर भी अप्लाई करता है। बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो ऐसा इंटेंशन गवर्नमेंट का है, आई डू नॉट एग्री। ठीक है। थर्ड, कि प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स होगा कि फुल होगा। अगर इस प्रोविजो को हम पढ़ते हैं तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसमें तो लिखा है कि अगर मैं पे नहीं करता तो एन अमाउंट इक्वल टू द ITC अवेल्ड शैल बी एडिड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कहीं नहीं लिखा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। राइट। तो अगर ये प्रोपोर्शनेट रूल में लिख भी रहे हैं या शुरू से लिखा भी हुआ था तो ठीक है जी, थैंक यू, फेवर में है। तो ये तो था कि एक प्रोविजो में गलतियां हैं जो हमने तीन गलतियां इसमें पॉइंट आउट की है। सेकंड, अब हम चलते हैं रूल 37 ओरिजिनली क्या था और अब क्या है। जो रेड कलर में है वो अब डिलीट हो गया, जो ब्लू कलर में है वो अब ऐड हो गया। प्रोविजो का नेट इंपैक्ट ये है। तो पहले वही है जी, हम बोल तो देते हैं कि ये चीजें ऑपरेशनल नहीं थी, वाकई ऑपरेशनल थी भी नहीं। वो क्यों ऑपरेशनल नहीं थी, क्योंकि पूरा लॉ जो ड्राफ्टेड है वो ओरिजिनल स्कीम ऑफ लॉ के हिसाब से ड्राफ्टेड है, जहां GSTR 1 थी, टू थी और थ्री पूरी 1 और 2 से ऑटो पॉपुलेट होती थी। राइट। तो इन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। राइट। और ये ITC रिवर्सल है, तो ये डाउट उठता है कि क्या ये ITC रिवर्सल है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। तो अगर आप ओरिजिनल स्कीम को माइन्यूटली स्टडी करते तो ये दोनों है। कैसे है इसको हम फॉर्म के थ्रू आपको समझाते हैं। ओरिजिनली ये फॉर्म GSTR 2 था। राइट। ठीक है। इस GSTR 2 के फॉर्म में क्या था, टेबल नंबर 11 था, जहाँ पे था कि डिस्क्रिप्शन फॉर रिवर्सल ऑफ ITC, फिर सेकंड कॉलम था टू बी एडिड और रिड्यूस्ड फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। राइट। तो जब हम इसको आगे देखते थे तो यहाँ आता था कि अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रूल 37। राइट। टू बी एडिड। ठीक है। ठीक है। ये मैंने GSTR 2 में डालना था। राइट। थ्री क्या थी, ऑटो पॉपुलेट होगी। तो थ्री में टेबल नंबर 7 था। तो ये था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम एड रिड्यूस टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। तो ये ओरिजिनल स्कीम ऑफ लॉ थी। राइट। इससे ये मैनिफेस्टली क्लियर था कि ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही है। राइट। टू में मैं ITC कम करूंगा, थ्री में वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। बिल्कुल। इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बड़ा माइन्यूट इंपैक्ट है जी, ध्यान से समझना। सेक्शन 49 कहता है कि अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है और उसको इलेक्ट्रॉनिक रेड लेजर से पे करना है तो उसका एक ऑर्डर है। मान लो आपका जो रिवर्स करना वो SGST और CGST है। ठीक है। लेकिन जब ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा और आपके पास क्रेडिट लेजर में IGST का बैलेंस है तो ये यहाँ से पे होगा। ठीक है, सही बात है। और अभी आप 3B में करते क्या हो कि C और SC रिवर्स करते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए जो कपिल जी ने बिगनिंग में बोला कि ये लॉ ऑपरेशनल हो नहीं पा रहा था, हम इसलिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि होना ये चाहिए। ठीक है। और लॉ में क्या था कि लिखा था कि 2 में आप इसे मेंशन करोगे और 3 में इसे आप पे करोगे। राइट। 3B में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, ना 3B में ऐसी कोई टेबल थी जो बोले कि ITC रिवर्सल टू बी एडेड इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस डेट तक 1 अक्टूबर 2022 तक तो ये प्रोविजनल
मशीनरी ही इसकी रेलेवेंट नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तो इन द एब्सेंस ऑफ ए कंप्लीट मशीनरी वैलिडिटी ऑफ दिस रूल वाज क्वेश्चन्ड। तो अगर किसी का 1 जुलाई 2017 से लेकर और 1 अक्टूबर 2022 तक ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ है, 180 डेज में पेमेंट नहीं करा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में गवर्नमेंट तो अपना डिमांड इशू करेगा, ठीक है, आपको चैलेंज करना है, उसके लिए हमने प्रोविजो की वैलिडिटी को क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, सेकंड हम रूल को करेंगे, मशीनरी प्रोविजन को चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं, अगर 180 डेज वाला प्रोविजन आपने फॉलो नहीं करा तो आपको 1 अक्टूबर 2022 से पहले डरने की बात नहीं, ठीक है। और कशिश सर तो कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 के बाद भी डरने की, अब वो देखते हैं वो क्यों डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब 1 अक्टूबर 2022 के बाद देखिए 3B क्या कहती है हमारी। 3B में है एलिजिबल ITC का टेबल 4, इसमें है कॉलम ए ITC अवेलेबल, राइट राइट। इन्होंने ये कहा है कि जब आपको ITC रिवर्स करना है तो टेबल बी में आप रिवर्स कर दें, यहाँ पे B2 में अदर्स में, जब उसे रिक्लेम करना है तो 4A 5 में रिक्लेम कर लें, बिल्कुल, और यहाँ पे बस एक रिपोर्ट कर दें, ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ना ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग है, राइट। अब पढ़ते हैं एक्ट, तो वही है, शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इन्होंने अब रूल में क्या लिख दिया, इन्होंने अब रूल में लिख दिया कि इट शैल बी रिवर्स्ड, शैल होली और पार्टली पे और रिवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो इसको जब हम सर्कुलर नंबर 170 है उसके साथ पढ़ते हैं, तो लिखा कि जो भी हमने देखा 4A 4B 2 में रिवर्स करना है, 4A 5 में रिवेल करना है, राइट। इसका इम्पैक्ट इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रावेंशन विद द एक्ट, एक्ट सेज कि इट इज एन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ओरिजिनल स्कीम ऑफ लॉ ऑल्सो सेड इट इज एन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और जब ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो सेक्शन 49 क्या कहता है कि इसको डिस्चार्ज करने का एक ऑर्डर है, राइट। और जब ये ITC रिवर्सल है तो इसको रिवर्स करने का सेम हेड है, CGST SGST, तो CGST SGST से ही रिवर्स होगा, तो इसीलिए दिस इज अगेन इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एंड हेंस दिस रूल इज स्टिल सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। तो यही हमने इसमें लिखा है कि इट इज ए वेल सेटल्ड दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, कहने का मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बोला ये टैक्स लाइबिलिटी है, आउटपुट टैक्स है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स का ही लॉ बनाना है, उन्होंने बना दिया इनपुट टैक्स का, ठीक है ना। व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द रूल्स अंडर स्टैट्यूटरी ग्रांट ऑफ पावर कैन नॉट ओवररूल द सेम एंड इन रिजल्ट फॉर्मुलेटेड डिफरेंट प्रोविजन देन प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट, देयरफॉर वैलिडिटी ऑफ रूल 37 इज स्टिल क्वेश्चनेबल। तो भाई अगर सर के हिसाब से चले तो ये रूल ही गलत है, ठीक है ना। लेकिन मेरा सर थोड़ा सा क्या होता है ना, मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू ही होता है कि भाई अगर तुम इसे फॉलो कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये जो रूल क्वेश्चनेबल है, हो सकता है हाई कोर्ट में क्वेश्चनेबल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चनेबल हो, लेकिन अगर हम ये सारी बात सर असेसिंग ऑफिसर को जाके बताएंगे जो हमारा 180 डेज वाला रिवर्सल कर रहा है, तो वहाँ पर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चैलेंज करना, देखिए असेसिंग ऑफिसर कौन है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो बता दिया वो गवर्नमेंट ने करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो बता दिया वो असेसिंग ऑफिसर ने करना है, सही बात है। तो असेसिंग ऑफिसर कहे ठीक गलत मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बोलने के लिए कहा गया, बिल्कुल राइट। तो अगर आपको ये रूल को चैलेंज करना है तो डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल होती है, और वो कशिश सर सबसे मैं नहीं करता हूँ, तो अगर किसी को करानी है तो सबसे कॉन्टेक्ट कर ले। हालांकि सर ये बहुत मजा आया, हमने कभी इस रूल 37 को इस एंगल से देखा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ा सर ने बड़ा मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सेक्शन कहता है कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, रूल्स कहता है ITC रिवर्सल कर दो, तो यहाँ पर दोनों में कंट्राडिक्शन है, तो हो सकता है कि कल को इसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सके। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था कि पिछले 5 सालों से ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट को पता भी है कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, जब भी नोटिस नहीं आ रहे, 1% केसेस में नोटिस आ रहे होंगे सर, बाकी केसेस में नोटिस नहीं आ रहे। तो सर ने बताया कि किस वजह से ये नोटिस नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जितना इसे फॉलो कर सके उसे फॉलो करें, अनलेस एंड अनटिल आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सर और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है कि अब इंटरेस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है जी, कि इंटरेस्ट पहले तो कहते थे 50 सबसेक्शन 1 का लगेगा, राइट, अब 50 है, 50 में अब 1 अक्टूबर 22 से 1 है या 3 है, राइट। अगर 1 है
तो पूरे अमाउंट पे पूरे पीरियड का टैक्स है, ठीक है। अगर 3 है तो जितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रहा है, यूटिलाइज्ड रहा है सॉरी, और जितने पीरियड के लिए रहा उस पे इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली 3 में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, और 1 में मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरेस्ट आएगा। हाँ। अब इसमें क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट बोले तुम ही तो कह रहे हो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो 1 में टैक्स पे करो, हाँ। हम कहे हाँ ठीक है कर देंगे, हाँ। लेकिन तुमने खुद बोला कि ITC रिवर्सल है, हाँ। तो 3 में लो टैक्स, हाँ। ठीक है, तो इसमें भी अभी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो गवर्नमेंट को हम इसके थ्रू अपील करते हैं कि आप इसको क्लैरिफाई कर दें, ठीक है, कि आपने खुद नहीं बोला ये ITC रिवर्सल है तो सबसेक्शन 3 ही बोलो, और अगर ये सच में ITC रिवर्सल तो इस बजट में 16(2) की प्रोविजो को अमेंड करके वहाँ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिमूव करके रिवर्सल डाल दीजिए। तो जो हमारा क्या कहते हैं बजट आने वाला है सर, उसमें काफी ये सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं, यस, कि जिससे कि पूरा लॉ और रूल्स स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो सर हमारी मैगजीन जो है ना बजट का भी पूरा एनालिसिस करके देगी, तो अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। जी सर, इसमें और कुछ ऐड पॉइंट? बस ये बात मैंने लिखी 2 पेज में, लेकिन इसका क्रक्स यही है कि 51 वर्सेस 50 सबसेक्शन 3 उसमें से क्या लगेगा ये अभी क्लियर क्लियर नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इन वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ ये बताना होता है कि लॉ को कैसे पढ़े। आपने फटाफट सेक्शन 31, रूल 37 ये सारे सब पढ़ लिए होंगे, लेकिन डिटेल एनालिसिस सर को बुलाया भी इसीलिए जाता है, हमें नहीं पता कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे सर, लेकिन ये डिटेल एनालिसिस हो गया तो एकदम मजा आ गया कि हाँ भाई लो भी गलत है। तो सर मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और हमारे सब्सक्राइबर को इतना डीप नॉलेज दिया यूट्यूब के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।